हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन और कांग्रेस के भारत बंद की जयपुर प्रभारी कुमारी शैलजा जयपुर पहुंची, जहां भारत बंद के सहित अन्य मुद्दों को लेकर पीसीसी में मीडिया से रूबरू हुई। शैलजा ने एक्साइज और वैट कम करने और डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगाकर 11 लाख करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया। शैलजा ने यूपीए और एनडीए सरकार में डीजल पेट्रोल और क्रूड ऑयल की कीमतों का तुलनात्मक आंकड़े बताते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। शैलजा के अनुसार बीते 52 महीनों में गैस पर 340 रुपये बढ़े हैं, जबकि डीजल पेट्रोल पर 112 एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि एक आरटीआई के मुताबिक भारत दुनिया ने 15 देशों को 34 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 29 रुपये प्रति लीटर डीजल बेच रहा है, जबकि देश में पेट्रोल 86 और डीजल 78 रुपये बिक रहा है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।